गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑल इन दिस 10th क्लास लाइव सेशन. सभी को नमस्ते, राधे राधे. आज की डेट है 22 मार्च और 2021, और हम लोग आज SD पब्लिक स्कूल का जो प्री बोर्ड का एग्जाम था उसके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे. उसका शीट हमने आपको व्हाट्सएप कर दिया है. आइए, आज की शीट का पहला क्वेश्चन आपकी NCERT का ही है जो 2 नंबर में आया. आप ध्यान से देखिए उसको. चलिए, क्वेश्चन है 6 to the power n एंड विद डिजिट 0. ठीक है, कह रहा है n की कोई ऐसी वैल्यू बताइए जिससे 6 की पावर उसको खोलें और उतनी बार खोलने पर n डिजिट 0 आ जाए. टू फाइंड एंड डिजिट 0 इन 6 to the power n, 10 मस्ट बी द फैक्टर. सोच के बताइए, 6 की पावर n में जब तक 6 का कोई 10 फैक्टर नहीं होगा, आप 6 को जितनी मर्जी बार खोल लीजिए, पावर में n डिजिट 0 सॉल्यूशन करने पर नहीं आएगी. यानी कि आपको अगर किसी भी नंबर की n डिजिट 0 लानी है तो 10 फैक्टर होना चाहिए. यानी कि कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जब आप 6 के फैक्टर करें तो समथिंग मल्टीप्लाई 10 होना जरूरी है. ठीक है, अगर 10 फैक्टर नहीं है तो 6 की पावर आप जितनी मर्जी खोल लीजिए, अगर 6 के फैक्टर में 10 नहीं है तो n डिजिट 0 नहीं आएगी. आइए चेक करते हैं कि 6 के फैक्टर में 10 है या नहीं है. आइए 6 के फैक्टर बनाते हैं 2 into 3. अब ये देखो, अगर यहां एक 5 की कमी रह गई, एक 5 अगर यहां पर और होता तो 2 into 5 10 हो जाता. 2 तो आ गया लेकिन 5 की कमी रह गई, तो क्या लिखेंगे? सो बाई यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 to the power n डज नॉट कंटेन 5 एज द फैक्टर. 6 की पावर n में 2 तो आ गया, 10 लाने के लिए 5 की कमी रह गई, तो हमने लिख दिया कि कंटेन डज नॉट कंटेन 5 एज द फैक्टर. सो 6 to the power n कैन नेवर एंड विद डिजिट, बोलो क्या? 0. बताइए, आ गया समझ में? अगर 5 आ जाता, 2 ना आता तो 2 की कमी रह जाती, दोनों ना आते 10 की कमी रह जाती, तो 10 का आना जरूरी है. ये नियम लिखा मैंने कि 6 के फैक्टर में क्यू इंटू 10, समथिंग इंटू 10 होना जरूरी है. 2 आ गया, 5 रह गया, तो एक 5 की कमी के कारण 6 की पावर n में कभी भी n डिजिट 0 नहीं आएगी. ठीक है, ये आज की शीट का पहला क्वेश्चन था. आइए आज की शीट का सेकंड क्वेश्चन करते हैं. ये भी आई थिंक NCERT से ही है. 10, 7 और 4... -62. कह रहा है कि 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP निकालो, लास्ट टर्म से. तो लास्ट टर्म का मतलब हुआ, इसको मैं 2 मेथड से आपके सामने सॉल्व करूंगा. इस साइड फर्स्ट मेथड और इसी क्वेश्चन का इस साइड मैं करूंगा आपके सामने सेकंड मेथड. चलिए, जब लास्ट से निकालना है तो एपी को उल्टा देखते हैं. तो बताइए, सबसे उल्टे से एपी की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू -62. डी निकालने के लिए 10 में से 7 माइनस करेंगे 3. अगर मैं लेफ्ट साइड से शुरू करता ना तो 7 में से 10 माइनस करता. अब मैंने राइट साइड से शुरू किया तो 10 में से 7 माइनस किया. ठीक, तो अब मुझे निकालना है, कौन सी टर्म निकालनी है? 11th टर्म. फॉर्मूला होता है A+10D. A और D मैंने उल्टे लिए, तो A की वैल्यू -62 और D की वैल्यू क्वेश्चन में है 3. तो ये हो गया -62 और +30. तो ये मेरे पास -32 आंसर आ गया. तो 11th टर्म अगर हम उल्टे से देखें तो आंसर आता है -32. आइए सेकंड मेथड निकालते हैं.
अब सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट टर्म निकालते हैं, लास्ट टर्म है माइनस का 62, ठीक है। और डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 में से 10 माइनस कर देंगे, अब सेकेंड में से फर्स्ट टर्म सीधा सीधा, तो माइनस का 3। तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं पहले, nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी, आइए एपी की n टर्म से उल्टा टर्म का एक नया फॉर्मूला होता है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये देखिए l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, l कौन है माइनस का 62, n कौन है 11th टर्म निकालनी है, और d कौन है माइनस का 3 ब्रैकेट में, तो माइनस 62 माइनस 10 और मल्टीप्लाई माइनस का 3, तो माइनस 62 माइनस माइनस प्लस का 30 हो गया, और फिर भी सॉल्व करके हमारा माइनस का 32 ही आ गया। तो यहां सीधा फॉर्मूला, वैल्यू उल्टी सेलेक्ट, यहां वैल्यू सीधी सेलेक्ट लेकिन फॉर्मूला उल्टा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, एल माने लास्ट टर्म, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को हमने दो मेथड से कंप्लीट किया, आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर कंपोजिट क्यों है, ठीक है, कंपोजिट नंबर बताना है, व्हाई दिस नंबर इज कंपोजिट, है तो ये है कंपोजिट ही लेकिन आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इधर के नंबर और प्लस 5 में देखें तो 5 कॉमन आता है, यहां से बच गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5 चला गया कॉमन, यहां बच गया 1, देखो दोनों तरफ से 5 बाहर निकाल लिया और यहां ये सब बच गया, तो 5 इंटू, चलिए इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 जा 42, और 42 यहां लिख देते हैं 42, और 4 तिया 12 दुनी 24, चलिए इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 4 2 जा 8 16, यह आ गया 1008 प्लस 1, तो 5 मल्टीप्लाई 1009, ये हो गया 59 जा 45, 500 51 जा 5। अब जरा ध्यान से देखिए 5045, ये कितने नंबरों से कटता है, बहुत सारे नंबरों से कटता है, ये देखो 5 से कटता है, 1009 से कटता है, 1009 जिससे कटता है, ये सब उन नंबरों से कटता है, तो क्या लिखेंगे, सिंस 5045 हैव मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स, 5045 के दो से ज्यादा फैक्टर हैं, सो 5045 इज ए कंपोजिट नंबर, जिसके भी दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं ना वो कंपोजिट होते हैं, जिसके खाली दो होते हैं वो तो प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो नंबर कंपोजिट होते हैं। अब जब 5045 आंसर का नेचर कंपोजिट है, तो जिसका ये आंसर है, देयरफॉर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज आल्सो ए, बोलो क्या, कंपोजिट नंबर, अगर ये कंपोजिट है तो इसका आंसर भी कंपोजिट होगा, बताइए आगे समझ में अच्छे से लाइन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्किल इज द डायमीटर ऑफ सर्किल। चलिए सबसे पहले दो पैरेलल टेंजेंट्स और एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, आपकी बुक में इसका उल्टा क्वेश्चन है, बोर्ड ने इसको उल्टा करके दिया, ये देखिए ये दो पैरेलल टेंजेंट्स दे रखे हैं, मैं इनके नाम लिख रहा हूं ए बी और सी डी, इन दोनों टेंजेंट की खास बात यह है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, आपको प्रूफ करना है जहां ये टच करते हैं वो लाइन सर्किल के सेंटर से पास होकर जाती है, आपको प्रूफ करना है कि पी क्यू डायमीटर है, पी क्यू कौन है, डायमीटर है, आपको ये बात प्रूफ करनी है, ये जो दिखाई दे रहा है इसे लिखना नहीं है, प्रूफ करना है। तो चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन में इन दोनों के पैरेलल ओ से एक लाइन बनाते हैं, नाम लिख देते हैं कुछ भी ओ एम, तो लिखते हैं थ्रू ओ ड्रॉ ए लाइन, नाम है ओ एम, पैरेलल टू ए बी
एंड CD, ये दोनों टेंजेंट AB और CD के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट शुरू करते हैं। वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने अभी इस लाइन को स्ट्रेट नहीं लिया और ना मैं इस स्ट्रेट लाइन का कहीं यूज करूंगा, मैं तो ये लिख रहा हूं कि रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो बताइए OP किसके परपेंडिकुलर होगा, AB के, ठीक है। और OQ किसके परपेंडिकुलर होगा, CD के। OP और AB के परपेंडिकुलर होने का मतलब हुआ एंगल P90, और OQ और CD के परपेंडिकुलर होने का मतलब हुआ एंगल Q90। चलिए इनके नंबर डाल देते हैं कुछ, इसको 1 डाल देते हैं, इसको 2। सबसे पहले AB को OM के पैरेलल ले लेते हैं। AB लाइन अगर OM के पैरेलल है, सोच के बताइए एंगल P किसके इक्वल होगा, एंगल 1 के, और दोनों का आंसर क्या होगा, 90 होगा। क्यों होगा, ब्रैकेट में लिखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये देखो एंगल P एंगल 1 के इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। अब देखो, अब CD लाइन को OM के पैरेलल ले लेते हैं, तो एंगल Q एंगल 2 के इक्वल होगा और दोनों का आंसर 90 होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये देखो AB OM के पैरेलल है, CD OM के पैरेलल है, और दोनों के पैरेलल होने से P का कॉरेस्पॉन्डिंग 1 होगा, Q का कॉरेस्पॉन्डिंग 2 होगा, ठीक। आइए दोनों को ऐड करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 प्लस 90। देखो एंगल 1 का आंसर भी 90, 2 का आंसर भी 90। बताइए अगर किसी सर्किल के सेंटर पर और स्ट्रेट लाइन में किसी पॉइंट पर अगर दो एंगल का सम 180 आए, तो वो लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है। देखिए ओ पॉइंट पर एंगल का सम 180 आ रहा है, इसका मतलब P और Q को ज्वाइन करने पर जो लाइन ओ पॉइंट से होकर जा रही है, क्या लिखेंगे, सो POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, सिंस POQ is a straight line passing through the center of circle। अब देखिए स्ट्रेट तो आपने इसलिए प्रूफ किया क्योंकि 102 एंगल O पॉइंट पर बने और इनका सम 180 आ गया, तो ये स्ट्रेट प्रूफ हो गई। और स्ट्रेट भी कैसी कि सेंटर से पास होकर जा रही है, तो आप क्या नाम देंगे, इन टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने वाली PQ लाइन इज द, बोलो क्या होगा, डायमीटर ऑफ सर्किल। ये देखिए डायमीटर ऑफ सर्किल, बताइए समझ में आ गया, 190 290, ठीक है, क्योंकि P का कॉरेस्पॉन्डिंग 1 है, Q का कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है। P और Q क्यों 90 है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट में रिलेशन, मैंने इन दोनों को रेडियस जरूर यूज किया है, लेकिन मैंने इनको कभी P और Q नाम देकर स्ट्रेट यूज नहीं किया। स्ट्रेट तो मैंने जब कहा जब O पॉइंट पर बने हुए 102 का सम कितना आ गया, अपने आप 180 डिग्री आ गया। चलिए आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। A cone of height 24 and radius 6 is made to modeling clay. A child reshape in the form of a sphere. Cone को reshape करके sphere बना दिया. Since cone is reshaped to form a sphere, so volume of cone equal volume of sphere। फॉर्मूला लिखते हैं 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H, और यहां 4/3 पाई स्मॉल R क्यूब। देखिए दोनों के रेडियस का सिंबल अलग अलग, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। देखते हैं किस किस की वैल्यू मालूम है। कोन की हाइट दी हुई है 24 और रेडियस है 6, तो लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 6 इंटू 24 इक्वल 4 मल्टीप्लाई, हमें इसका रेडियस क्वेश्चन में फाइंड करना है, तो चलिए 6 इंटू 24, 4 नीचे आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो 6 इंटू 6 इंटू 4, 6 से जा 3 6 हो गए, जब मैं क्यूब हटाऊंगा तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा और 3 6 में से 1 6 बाहर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया
रेडियस ऑफ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। बड़ा आसान सा 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी से। जीरोस निकालने हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के। अब आपको ऐसे नंबर निकालने हैं जिनको प्लस करके 7 आए और मल्टीप्लाई करके 10 आए, तो बड़े आसानी से फैक्टर बन गए 5 और 2। x कॉमन ले लीजिए अंदर x प्लस 5, 2 कॉमन ले लीजिए अंदर x प्लस 5, एक ब्रैकेट में x प्लस 5, एक ब्रैकेट में x प्लस 2। हेडिंग लिखेंगे द जीरोस आर, पहले x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे, वैल्यू माइनस 5 आ जाएगी। फिर x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। ठीक है, अब रिलेशनशिप निकालना है, तो रिलेशनशिप के लिए पहले वेरिफिकेशन हेडिंग डालेंगे, वेरिफिकेशन। चलिए जो आंसर आया पहले उनका सम निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस। जो आंसर आया पहले उनका सम निकालते हैं, माइनस 5 प्लस माइनस का 2 कितना आ गया, माइनस 7। अब जरा फॉर्मूले से निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। आइए देखते हैं बी कितना है, माइनस का 7 और ए की वैल्यू 1। देखिए दोनों से आंसर सेम आया। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। फॉर्मूला होता है पहले तो सिंपल प्रोडक्ट निकालते हैं, माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस का 2, प्लस का 10 आ गया। आल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। आइए कॉफिशियंट में देखते हैं, सी की वैल्यू 10 है और ए की वैल्यू 1 है। देख लीजिए सेम आ गया और ये आपका वेरीफाइड हो गया। ठीक है, पहले सिंपल जो आंसर आए उनका सम निकाला, फिर फॉर्मूले से सम निकाला, सेम आया। पहले इन जो आंसर आए उनका सिंपल प्रोडक्ट निकाला, फिर फॉर्मूले से प्रोडक्ट निकाला, सेम आया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, इस सेक्टर इज कट फ्रॉम ए सर्किल। एक सर्किल में से एक सेक्टर को काट लिया, ये देखिए एक सेक्टर को इस तरह से काट लिया, ओ इसका नाम ए इसका नाम बी, और सेक्टर एंगल क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 150 डिग्री, और रेडियस क्वेश्चन के अंदर है 21/2, क्योंकि 21 तो डायमीटर है। बच्चे क्या करते हैं डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना ही भूल जाते हैं। कह रहा है एरिया बताइए, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो हर बच्चे को अच्छे से अब याद हो जाना चाहिए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 150 अपॉन 360, पाई की जगह 22/7, 21/2, 21/2, और आगे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए ये देखिए थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, क्या हुआ जीरो से जीरो कट गई, 3 5 जा 3 12 जा, 7 का टेबल 21 पर चलाया 3 आया, 2 का टेबल 22 पर चलाया 11 आया, 3 का टेबल 12 पर चलाया 4 आया, और देखो कुछ कटता है कि नहीं, और तो कुछ कटता नहीं है, क्या बच गया 5 × 11 × 21, और नीचे बच गया 4 × 2 = 8। ठीक है, अब इसे जो भी सॉल्व करके आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आइए मल्टीप्लाई कर लें, 5 × 5 और 5 × 2 = 10, 11 से 11 × 5 = 55 और 11 × 11, तो 11 (5) को किससे डिवाइड करें, 8 से, 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 32, फिर से 8 × 4 = 32, पॉइंट लगाकर 0, 8 × 3 = 24, 8 × 7 = 56 और 8 × 5 = 40। तो ये पूरा पूरा नंबर कट रहा है 144.375 cm². देख लीजिएगा, कोई मिस्टेक होगी तो ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए खूब बढ़िया क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो आज की शीट का लास्ट क्वेश्चन है। द पैरामीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर। आइए पहले सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर बनाते हैं।
ये देखिए, ये है सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर, ये देखिए दैट्स ए सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। क्या दिया हुआ है, पैरामीटर दे रखा है, आइए लिखते हैं पैरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर। बताओ भाई क्या फॉर्मूला होता है सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर का। देखिए एक तो आधा सर्किल है, सोच के देखो, है ना, तो 2 पाई आर का आधा हो गया पाई आर प्लस। अब ये देखो, ये भी तो प्रोट्रैक्टर का ये वाला पार्ट भी तो पैरामीटर में आएगा, इसे थोड़ा छोड़ देंगे कोई। सेमी सर्किल अलग बात है, सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर अलग बात है, तो ए बी को भी काउंट करेंगे प्लस 2R। और क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, 72 और पाई आर प्लस 2R। क्या करेंगे, R कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा पाई प्लस 2, तो 72 इक्वल R, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22 अपॉन 7 प्लस 2। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, 22 प्लस 14 अपॉन 7, तो ये हो गया आपके पास 4 और 2 6, 2 और 1 3 इंटू 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 तो ऊपर चला जाएगा, 36 नीचे आ जाएगा, और ये कट गया 2 जा, और रेडियस हमारे पास आ गया कितना, 14 सेंटीमीटर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताइए ए बी डायमीटर है, इसके ऊपर एक सेमी सर्किल बनाया, ये इसका रेडियस दे रखा है, सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर का डायमीटर प्लस पाई आर, पाई आर क्योंकि सेमी सर्किल आधा है, और प्लस 2R क्योंकि पैरामीटर की बात हुई है, तो पैरामीटर पूरी फिगर का काउंट होगा, इसलिए ए बी डायमीटर को भी लेंगे, और डायमीटर ए बी है 2R। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करके देखिए, आंसर आ गया 14 सेंटीमीटर। तो ये हमने दो दो नंबर के क्वेश्चन आपके SD पब्लिक स्कूल के प्री बोर्ड के पेपर के कंप्लीट करा दिए। अब एक एक नंबर के क्वेश्चन हम आपको देंगे, फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे, और अब सभी पेपर्स में से अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट कर आपको अगली क्लास में कराए जाएंगे। ठीक है, आप अपनी कॉपी पे कंप्लीट करते रहिए, और कोई दिक्कत हो तो जरूर व्हाट्सएप पे डालिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।